हाय गाइस, आपका हमारी किचन में स्वागत है। आज मैं आपको स्वीट कॉर्न का कुछ चटपटा सा बना के दिखाऊंगी, जो बारिश में बहुत अच्छा लगता है। आइए शुरू करते हैं। बनाने के लिए हमने स्वीट कॉर्न लिए हैं, दो निकाल के रखे हैं और कढ़ाई में पानी उबलने के लिए रखे हैं। इसको हम 10 मिनट बॉईल करेंगे। पानी हमारा बॉईल हो चुका है, अब हम ये इसमें स्वीट कॉर्न इसमें डाल देंगे। इसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए। देखिए हमारे स्वीट कॉर्न अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब हम इसको गैस बंद कर देंगे और पानी को निथार लेंगे। अब हम इसके पानी को अच्छे से निथार लेंगे। और अब एक कॉटन के कपड़े पे इसको चौड़ा करेंगे। बिछा लिया है और इस स्वीट कॉर्न को इस पर पूरा चौड़ा कर देंगे हम ऐसे, और इसको पूरा पानी को थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेंगे कॉटन में। अब हमने ये कॉटन के कपड़े में से इसको निकाल के रख लिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे, वो हम छान के लेंगे इसको में, और 1 चम्मच हम मैदा डालेंगे, वो भी छान लेंगे। 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे और 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, पूरा रैप कर लेंगे इसको। ये पूरा सूखा सूखा है तो हम इसके लिए टेस्ट आने के लिए 1 चम्मच लेमन जूस डालेंगे। पे रख दिया है और अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद स्वीट कॉर्न डालेंगे। हो चुका है, अब हम इसमें स्वीट कॉर्न डालेंगे। और धीमी आंच करेंगे थोड़ा। मीडियम आंच पे करेंगे ताकि हमारा लाइट ब्राउन हो जाएगी। देखिए हमारे स्वीट कॉर्न अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसको निकालेंगे। ये हमारा अच्छी तरह से पक गए हैं। फिलिंग बनाने के लिए हम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। फिर बारीक कटी हुई लहसुन डाल देंगे हम इसमें। इसको अच्छी तरह भूनेंगे। और हमने ये बारीक कटा हुआ थोड़ा सा अदरक लिया है, अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। अब इसको लाल होने तक भूनेंगे। उसके बाद में हम प्याज डाल देंगे। शिमला मिर्ची जो हमने काट के रखी थी, और ये प्याज के हरी प्याज की जो कुछ पत्तियां काट के रखी थी, और थोड़ी सी हरी मिर्ची। प्याज ये थोड़ी नरम हो गई, अब हम 2 चम्मच टमाटर सॉस डाल देंगे। आधा चम्मच काली मिर्ची पाउडर डाल देंगे। आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 पिंच हमने लाल जो कलर रखा था वो डालेंगे इसमें कलर लाने के लिए। थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, बाकी तो हमने उसमें डाल चुके थे, इसमें थोड़ा सा डालेंगे।
एक पिंच हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, बस अब इसको मिक्स कर लेंगे। और तेज आंच पे 2 मिनट के लिए पकाएंगे। बस अब हमारे रेडी हो चुके हैं, अब हम गैस बंद कर देंगे, सर्व करने के लिए रेडी होंगे। इसको सर्व करते हैं हम यहाँ पे। हमारे स्वीट कॉर्न बनकर तैयार हो गए हैं। फ्रेंड हमारी रेसिपी आप ट्राई करिएगा, इतनी चटपटी है कि बारिश के मौसम में बहुत अच्छी लगेगी। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।